लोकभाषा प्रचार समिति पक्षर राष्ट्रीय संस्कृत सम्मिलनी केन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय सदाशिव परिसर में उद्घाटित ओडिशा उच्च न्यायालय वरिष्ठ विचारपति डॉक्टर विद्युत रंजन षडंगी से मुख्य अतिथि भाव जोगदे कहिले संस्कृत भाषा समग्र विश्व प्रसार लाभ कर संस्कृतर सुरक्षा बिना प्राचीन संस्कृति और वैदिक परंपरा बंचिपार ना संस्कृत शिक्षार नैतिक मूल्यबोधर बार्ता रही श्रीजगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पूर्वतन कुलपति प्रफेसर अलेख चंद्र षडंगी सभापतित्व करते संस्कृत शिक्षा और संस्कृत भाषार व्यापक प्रचार प्रसार पर से आह्वान देते नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर काशीनाथ नौपाने राजस्थान पूर्वतन शिक्षामंत्री ब्रजकिशोर शर्मा कर्णाटक हाईकोर्ट वरिष्ठ आईनजीवी रमेश जोईस राजस्थान संस्कृत सम्मेलन महासचिव राजकुमार जोशी सम्मानित अतिथि भाव जोग देते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय निर्देशक प्रोफेसर खगेश्वर मिश्र स्वागत भाषण प्रदान करे लोकसभा प्रचार समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ सदानंद दीक्षित कार्यक्रम परिचालना करते सात जन संस्कृत विद्वान को सम्मानित मद्रास विश्वविद्यालय प्रोफेसर सिनिरुद्ध दास अध्यक्षत बौद्धिक संगोष्ठी अनुष्ठित होता डॉक्टर सुशांत कुमार राज कार्यक्रम संयोजना करते समितर ओडिशा शाखा अध्यक्ष डॉक्टर विपिन बिहारी शतपथी धन्यवाद अर्पण करते डॉक्टर सदानंद दीक्षित राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकभाषा प्रचार समिति लोकभाषा प्रचार समिति जन्म 1983 मसीहा मार्च मास 13 तारीख पूरी आज आम से अनुसार 41वां जन्मदिन दिवस पालन करुच्छू पुरी एवं आम लोकभाषा प्रचार समिति पुरी ठार विस्तारित हो समग्र भारत में समग्र विश्व में पहुँची आम आम समस्त परिवार सदस्य मानक आज कार्यक्रम डाकिछु निमंत्रण करछूँ भाग नहीं आम से दुई दिन धरी कार्यक्रम भाग नहीं से आयोजन करेंगे आम समस्त महासम्मेलन और राष्ट्रीय चर्चा सत्र और राष्ट्रीय चर्चा सत्र एवं आमे आधुनिक संस्कृत साहित्य पर चर्चा करिवो एक कार्यक्रम ओडिशा रो एवं भारतवर्षर विभिन्न स्थान रो तथा नेपाल रो मध्य आमर परिवार सदस्य उपस्थित होइछन् पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती को दिव्य अतिथि भाव निमंत्रण करिछु ओडिशा हाईकोर्टर सीनियर वरिष्ठ जज डॉक्टर विद्युत रंजन षडंगी आज उपस्थित हो आमको उत्साहित करुछन्ति एवं राजस्थान पूर्वतन शिक्षामंत्री श्री ब्रजकिशोर शर्मा और नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर काशीनाथ न्योपाने बेंगलोर हाईकोर्टर सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एम भी रमेश जोईस एवं आमर राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अच्छा श्रीयुक्त राजकुमार जोशी आज कार्यक्रम भाग नौ आमर सभापति भाव आम पर मुख्य श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पूर्वतन कुलपति डॉक्टर अलेख चंद्र षडंगी एवं भारतवर्ष विभिन्न स्थान एठार आसी कार्यक्रम भाग नहीं कार्यक्रम मुख्य लक्ष्य हो संस्कृत को आम लोकभाषा करवाध्यम भारत को विश्वगुरु पदर अधिष्ठित करवा आज कार्यक्रम वस्तुतः सहायक होती यही केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय सदस्य परिसर निर्देशक डॉक्टर प्रोफेसर खगेश्वर मिश्र महोदय एवं यही कार्यक्रम आम विश्वविद्यालय समस्त जो अध्यापक अध्यापिका छात्र छात्रीवृंद सहयोग कर धन्यवाद कृतज्ञता अर्पण करुच्छे प्रोफेसर सत्यनारायण आचार्य मु भारत सरकार द्वारा परिचालित आंध्र प्रदेश में तिरुपति स्थित राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय साहित्य विभाग में कार्यरत एवं से विश्वविद्यालय कुलानुशासक प्रोक्टर पदर अच्छी लोकभाषा प्रचार समिति रु मोर सृष्टि आज जदि मु संस्कृत कहूँगी तेल मोर प्रेरणादात्री लोकभाषा प्रचार समिति आज कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य अच्छी भारत वर्षर विभिन्न प्रांतर आम लोकभाषा प्रचार समितर पूर्व कार्यकर्ता गण आसी आमर लक्ष्य अच्छी लोकभाषा केमिति हम संस्कृत भाषा एवं आबाल वृद्ध मनीता प्रिय भाषा हो पार यही अहरह उद्यम चली प्रेरणा नहीं से ही कार्यकर्ता मैंने निज निज राज्य कार्यक्रम आयोजन करेंगे आंध्रप्रदेश उपसभापति दायित्व अच्छी आम निज निज प्रदेश में निज निज कार्यक्षेत्र में केमिति आम लोकभाषा प्रचार समितर बार्ता को पहुँचे पारू एवं आबाल वृद्ध वनिता संस्कृत में कहीपरेंगे संस्कृत भाषार महत्व को बुझीपारे ये हूँ आज कार्यक्रम प्रमुख लक्ष्य।